नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवतुल्य माना जाता है। कुछ लोग आंगन में तुलसी का पौधा भी जरूर लगाते हैं ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और पॉजिटिव एनर्जी आए, मगर इसका ख्याल बाकी पौधों से थोड़ा अलग तरीके से रखा जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि तुलसी का प्लांट घर में लगा है तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तुलसी के पौधे में ज्यादा पानी डालने से वो खराब हो जाते हैं। ऐसे में तुलसी का पौधा 70% मिट्टी और 30% रेत में लगाएं, इससे वो बारिश के मौसम में खराब नहीं होगा। तुलसी का पौधा उगाने के लिए गाय के गोबर से बनी खाद का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि तुलसी हमेशा थोड़ी गहरी और चौड़े गमले में लगाएं। तुलसी को जल देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल करें। साथ ही महिलाएं शाम के समय में तुलसी के सामने दिया जरूर जलाएं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर पौधों की पत्तियों व मिट्टी पर छिड़कें, इससे पौधा हरा भरा रहेगा और खराब नहीं होगा। अगर तुलसी का पौधा सूख चुका हो तो उसे घर में न रखें, इसे किसी मंदिर या पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि सूखी हुई तुलसी घर के लिए अशुभ होती है या भविष्य में होने वाले किसी संकट का संकेत हो सकता है। तुलसी के पौधे को न सिर्फ लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है बल्कि यह विष्णु को भी बेहद सर्वप्रिय है। वास्तु के अनुसार इसे उत्तर, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है। इसके अलावा तुलसी को भूलकर भी पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा में ना लगाएं। कभी भी रविवार, अमावस्या, द्वादशी और चतुर्दशी पर तुलसी तोड़ने की भूल ना करें। अगर पत्तियों की ज्यादा जरूरत हो तो उन्हें तोड़ने से पहले पौधे को हिला दें। वास्तुशास्त्र में सूर्यास्त के बाद भी तुलसी तोड़ना अशुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार राधा रानी का रूप माने जाने वाली तुलसी सायंकाल के समय माता लीला करती हैं। खींचकर या नाखूनों से तुलसी तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी एक वृक्ष नहीं बल्कि राधा रानी का अवतार है। ऐसे में इसकी पत्तियों को चबाएं नहीं बल्कि जीभ पर रख कर चूसें।